भोपाल में एक महिला एसआई ने चाइल्ड लीव मांगी तो थाने को फूलों और गुब्बारों से सजा दिया गया। महिला एसआई को लीव पर भेजने से पहले उनकी गोद भराई की रस्म निभाई गई। इस मौके पर पूरे स्टाफ ने खुशियां मनाई। गोद भराई रस्म में थाने के पूरे स्टाफ ने मायके की जिम्मेदारी निभाई। चाइल्ड लीव में जाने से पहले महिला एसआई की गोद भराई की रस्म थाने में पहली बार निभाई गई। पूरे थाने को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया था। दरअसल एसआई करिश्मा राजावत ग्वालियर की रहने वाली हैं। उनकी प्रेगनेंसी का यह 8वां महीना है। इस माह में गर्भवती महिला किसी भी तरह की यात्रा नहीं करती हैं। ऐसे में करिश्मा ने टीआई अंजना ध्रुवे को चाइल्ड लीव का आवेदन दिया था। उन्होंने इसे मंजूरी दी और महिला थाने में गोद भराई रस्म भी करा दी। तकरीबन एक घंटे चले कार्यक्रम में पूरा स्टाफ करिश्मा का मायका बना रहा। एसआई अंजना रघुवंशी ने मां बनकर उनकी गोद भराई की रस्म की। आरक्षक प्रदीप शर्मा ने भाई बहनकर फलों से गोद भरकर रस्म पूरी की। स्टाफ में शामिल 25 महिला कर्मचारियों ने बहन, सहेली और अन्य रिश्तेदार की भूमिका निभाई। 13 पुरुषों ने मायके वाले बनकर अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाई। इस मौके पर एसआई करिश्मा ने कहा कि वे कुछ पल के लिए थाने को भूल गई थी। उन्हें लगा कि वे मायके में हैं। थाने में उनका शानदार वेलकम हुआ। टीआई अंजना ध्रुवे ने हाथ पकड़कर वैसे ही प्रवेश कराया जैसे मायके में बहने कराती हैं। गाने की धुन के साथ माहौल को और संजीदा बना दिया गया था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।